लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतजार करेगा कल हांगकांग एयरपोर्ट का। जी दरो। अंकल मैं इम्तिहान में पास हो गया हूँ और स्कूल की खेलों में अव्वल आने पे मुझे मेडल मिला है। अरे वाह वाह। ए रानू चल। राम राम बाबूजी। अरे हाँ सीता बेटी। पगला रात भर नहीं सोया, कहता था कि सुबह उठकर बाबूजी के चरण छूकर ये बिल्ला दिखाऊंगा। बाबूजी अगर आप जैसे देवता की दया हम पर ना होती तो हम अनाथों का क्या होता, राजू कैसे पढ़ता? अरे इसमें मैंने क्या किया सीता, राजू को पढ़ने का शौक था, मैंने थोड़ी सी मदद कर दी। ले राजू। भैया जरा बताना। ए ए कहाँ चली, चल वापस कर बिल्ला। बाबूजी ये बड़ी चुट्टी है, घर में भाई के हिस्से का दूध खाना सब कुछ चुरा के खा लेती है और ये भी कुछ नहीं बोलता। चला बिल्ला दे दे चुट्टी। रहने दो दीदी रहने दो, बिल्ला इसके पास ही रहना। ए रानो इसे घुमत करना। चाचा राजा पढ़ रहा है, मैं उसे दूध लेकर अभी आई। जा जा तेरे लिए तो बहन भाई तेरे भगवान है। संग जाए बोलो बोलो रे भैया राम का नाम, बोलो बोलो रे भैया राम का नाम, राम का नाम।
बचपन रोते जो गम देते रहे दोहाई हो हो चल में कैसे इतना पाप समाए रे बोलो बोलो रे भैया राम का नाम बोलो बोलो रे भैया राम का नाम राम का नाम घेर लिया है पाप के शोलों ने सारा संसार हो फूल जले और गलियां सीता के दामन की ज्वाला तुझ बिन कौन बुझाए बोलो बोलो रे भैया राम का नाम बोलो बोलो रे भैया राम इसे साफ पता चलता है कि यह काम पुलिस से भागे हुए मुजरिम माइकल का है। हैरानगी की बात यह है कि वो कमबख्त इतने दिन हमारे घर के सामने इस बिल्डिंग में छुपा रहा और हमें पता तक नहीं चला। भाग के जाएगा काम। इसकी छोटी बहन रानू का कुछ पता चला? वो तलाश किया साहब, कहीं पता नहीं चला। साहब राजू होश में आ गया। खून की होली खेल गया है एक हथियारा पापी लहू पुकारे अबला का संसार है सारा पापी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम Yeah!
लाइसेंस दिखाओ जी। चला चला। मैं तो डर ही गया था कि कहीं पुलिस हमारे पीछे तो नहीं। आजकल पुलिस भी हर जगह पहुंच जाती है, पता नहीं किसके पीछे थी। लेकिन लोगों ने टेलीफोन पर कहा क्या? यही कि अभी काम नहीं हुआ। सेठ घनश्याम दास बंबई से 20 लाख के हीरे लेकर महाबलेश्वर गया तो जरूर, लेकिन घर में कहां छुपा रखे ये कुछ पता नहीं। लोगों ने सारा घर छान मारा। वेरी स्मार्ट। 20 लाख के हीरे, सेठ का निशान दास। वेरी गुड सेठ घनश्याम दास जी, आपका दिल बिल्कुल ठीक है। यार एब्सोल्युटली फिट। अब आप कनाडा तक का सफर आराम से प्लेन में कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। कपूर। अरे ये तो अपनी ही बच्ची है। अशोक
इसे जरा अच्छी तरह देखो। मुनीम जी आप जरा मेरा बैग ले आइए, जल्दी लाओ। कौन है ये सेठ जी? डॉक्टर मैं जिस सेठ का नौकर था, बरसों जिसका नमक खाया, उसी की इकलौती बेटी है। अरे लड़की नहीं, देवी है देवी। इसका बाप लंदन में करोड़पति है, लेकिन ये वहां नहीं जाना चाहती। इसे वहां की मॉडर्न लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं। अपने देश की सभ्यता, गरीब और दुखियों की सेवा ही इसकी जिंदगी है, इसीलिए इसने अभी तक शादी नहीं की। डॉक्टर कहाँ हूँ मैं? तू अपने घर में है बेटी। मैं हूँ तेरा अंकल घनश्यामदास, पहचाना मुझे? कैसे पहचानेगी, तू 3 साल की थी जब तेरे डैडी तुझे इंग्लैंड ले गए। इसे अंदर ले चले। आपको तो आराम करना चाहिए। ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। जाना चाहती हूँ, अंकल को देख रही थी। दर्द कैसा है? बिल्कुल ठीक है। आप जैसा डॉक्टर हो तो भला कोई कैसे ठीक नहीं होगा। सेठ जी साहब के बारे में पता चला, अब कितनी महान है। महान मैं? अंकल को क्या मालूम, महान तो आप हैं। उन्होंने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। आप सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अरे डॉक्टर होकर आप सिगरेट पीते हैं? ओह आई एम सॉरी। कैसी फेंकी सिगरेट? अच्छा जहां जाएगा अच्छा ही करेगा। अंकल आश्रम में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाऊं? वादा याद है ना, रात को तुम्हें मेरी पार्टी संभालनी होगी। अच्छी तरह याद है, सब संभाल लूंगी। नहीं अंकल, प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं बेबी, एक घूट। सिर्फ एक घूट? आई प्रॉमिस। अच्छा थैंक यू। क्या हुआ? आपको मना किया था ना अंकल? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं चले। चलिए इन्हें अंदर ले चलें। अरे मुझे बिल्कुल नहीं चले। चलिए जूते को आज मर जाओ, जूते को नहीं। योर वाइफ इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। मेरा ख्याल है बाहर चलें। राइट राइट राइट। मैं अपना पर्स ले आऊं। अच्छा सिगरेट? लीजिए आज से हमेशा के लिए छोड़, और इसे सुलगाने वाली आग आपके हवाले। मुझसे बुराई छुड़वाने का शुक्रिया। चली, चली, चली।
अरे आपको तो लग गई। नहीं। आइए बैठिए। शायद इसे हमारा मिलना पसंद नहीं आया। आज तक मैंने दुनिया की तीमारदारी की है, आज पहली बार मेरी कोई तीमारदारी कर रहा है। क्या मैं इसके हमेशा के लिए उम्मीद रख सकता हूँ? वनिता देवी कौन है? क्यों, क्या बात है? मैं हूँ वनिता। आपका तार? तार? जी हाँ, होटल में आया था। गुड नाइट मैडम। नहीं। क्या हुआ? आश्रम के प्रधान की अचानक बम्बई में मौत हो गई। वो मेरे पिता समान थे, मुझे अभी जाना होगा। चलिए मैं छोड़े देता हूँ। नहीं, आप अंकल और उनके मेहमानों का ख्याल रखिए, मैं चली जाऊंगी, गाड़ी है। सुनिए, बम्बई में मैं आपको कहाँ? मेरा टेलीफोन है 572-335। खुद ही तार दी और खुद ही ले ली। अरे मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया। अरे आओ, क्या हुआ सर जी? क्या हुआ सर जी? देखो मेरी जिंदगी भर की पूंजी कोई ले गया, इसे तारे ही रहते ही रहे। मैं भी पुलिस को। अरे नहीं, पुलिस को क्यों बुलाते हो? क्यों क्यों बुलवाते हो आप मुझे? हाँ साहब, आ गए बेटे। डैडी कमाल है, मैं इतना छुप छुप के आया, आवाज भी बदली, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। बेटा मैं यहाँ का पुलिस चीफ हूँ, राइट? और तुम जैसे होशियार सीआईडी ऑफिसर का बाप, भला मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। डैडी जीते रहो। और डैडी ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, गुड, मुबारक हो बेटा, तुमने अपनी जान पे खेल के इतने खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू माय बॉय। डैडी ये सब आपका आशीर्वाद है, ये लो। डैडी आपको याद है, बचपन में आपकी मेहरबानियों से मुझे एक मेडल मिला था, वो तो रानू ले गई, ये किसको दूं डैडी? बेटा मैं तुम्हारे दोस्त समझता हूं, परसों की तलाश के बाद भी रानू का कोई पता नहीं चला, भगवान न करे कहीं उसे कुछ। नहीं डैडी, मेरा दिल कहता है कि मेरी बहन जिंदा है और वो मुझे जरूर मिलेगी। यस, मैं हरनाम बोल रहा हूं। आ गए? अभी अभी आए। जरा टेलीफोन दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। बेटे अनंदास अंकल का फोन है, लो बात करो। नमस्ते अंकल। मुबारक हो बेटे, मैंने आज ही अखबार में तुम्हारी फोटो देखी। जी थैंक यू। लो जरा आशा से बात करो, मैं जरा जल्दी भी हूं, फिर मिलूंगा। हैं? बाय। थैंक यू। हेलो, कैसे हो? अच्छा हूं। इतने दिन बाहर रहे और खबर तक नहीं ली। अच्छा, कब मिलते हो? अभी अभी आया हूँ, वक्त मिलते ही फोन करूंगा। तुम क्या फोन करोगे, हमें ही तुम्हें फोन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दरअसल। अच्छा बाय। बाय बाय। बेटा आशा के डैडी शादी के लिए बहुत जोर दे रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? डैडी आप तो जानते ही हैं, जब तक रानो का पता नहीं चल जाता मेरे लिए कोई खुशी खुशी नहीं। न जाने वो कहां है, किस हाल में है। Bye.
चलो बेबी। कहाँ? ज्यादा सवाल नहीं, चलो। मैं चलती हूँ ना, मैं चलती हूँ। चलो चलो। बच्चे लोग आराम करो। तेरी ब्यूटिफुल वंडरफुल वेरी स्मार्ट इंडीड। बिल्कुल ठीक सुना था। आपकी तारीफ? एक दोस्त नाम विक्रम, जरूर सुना होगा। क्या चाहते हो? दिल्ली में सरदार कृपाल सिंह की बीवी, महाबलेश्वर में लंदन वाले कपूर की बेटी। इतने खतरनाक खेल खेलना अकेले में कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मैं इस खूबसूरत हीरे को अपने ग्रोह में चढ़कर उसकी शान बढ़ाना चाहता हूं। और अगर ये हीरा इनकार कर दे तो? कोई बात नहीं, पुलिस को तुम्हारे बारे में सिर्फ एक टेलीफोन काफी होगा। इजाजत है। शर्तें? ये सब बॉस तय करेगा। तो फिर बॉस से ही बात कर लेते हैं। मिस्टर विक्रम। ओके, तुम लोग जा सकते हो। खोलने की इतनी जल्दी क्या थी? पट्टी मैंने कहां खोली? अच्छा विक्रम, इसकी पट्टी खोल दो। चार साथियों की ही जरूरत है। अपने हीरे जमा करा दो। तुम्हारे हिस्से इनाम और काम के बारे में विक्रम तुम्हें समझा देगा। ये खुफिया महल, ये शान और शौकत, अगर पुलिस को इसका पता दे दिया जाए तो कितना इनाम मिल सकता है? कौन पता देगा?
पुलिस तो क्या, उसके फरिश्तों को भी इस जगह का पता नहीं चल सकता। मिस्टर विक्रम, आप मुझे पैरामाउंट होटल से इतनी मोटी पट्टी बांधकर लाए। दाएं तरफ 2 मील के बाद सुंदर नगर का पुल, फिर 1 फरलॉन्ग 100 गज के बाद बाएं तरफ बेलापुर जाने वाली सड़क की सुरंग, ठीक है ना? इसके 5 मील के बाद रेती बंदर, फिर उसके 3 फरलॉन्ग 2 गज के बाद बाएं तरफ एक कच्ची सड़क से एक छोटी सी पहाड़ी पर होते हुए यहां नीलम बंदर। विक्रम, इनका कोई कसूर नहीं, मेरे कान भी देखते हैं। आइंदा किसी को यहां लाना हो तो उनकी आंखें ही नहीं, कान भी बंद करके लाया कीजिए। गुड, ये सब कुछ तुमने कहां से सीखा? जिंदगी से, जिंदगी से बड़ी कोई किताब नहीं। वेरी गुड, आज से तुम हमारी खास साथी हो। बॉस एंथोनी। अब्दुल, हमारा पुराना साथी एंथोनी आ गया है, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, उससे मिलोगे नहीं? एंथनी, गैंग को छोड़ने की सजा तुम्हें मालूम है? बॉस, बॉस, मैंने कुछ नहीं किया आपके खिलाफ, कुछ नहीं किया। मैं रोजी से प्यार करता हूं और उसे ये काम पसंद नहीं, मैं तो उससे शादी करके जा रहा था। आई सी, तो हमसे क्यों नहीं कहा, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करा दें। अब्दुल, एंथनी की शादी का जश्न हो जाए। रोजी कैसी है? बहुत खूबसूरत है ना? तुम बहुत किस्मत वाला है। लव पियो, अरे पियो, हम तुम्हारे शादी के खुशी में नाचेगा। ए, ताली बजाओ। क्यों क्यों क्यों? और जोर से, और जोर से। प्यार है गुनाह सुनो, जो करेगा चाह सुनो, होगा वो तबाह सुनो, छोड़ो 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 रास्ता प्यार का, छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी। हाँ प्यार है गुनाह सुनो, जो करेगा चाह सुनो, होगा वो तबाह सुनो, छोड़ो 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 रास्ता प्यार का, छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी। हाँ हाँ रास्ता प्यार का, छोड़ो
छोड़ो जी हाँ। केटी, ये रानी है हमारी नई साथी। जब तक हम इसके रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं कर लेते ये तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन मैं होटल वाले को क्या जवाब दूंगी? क्या? ये तुम्हारा काम है। मिस्टर विक्रम, औरत की इज्जत करने वाले हमें अच्छे लगते हैं। तुम इस गंदगी में कैसे आई? बाहर की दुनिया में क्या गंदगी कम है? अच्छा एक बात बताओ, हमारा बॉस कौन है? आज तो पूछा, दोबारा कभी मत पूछना। हमारे यहां दो बातों की सजा मौत है, एक तो बॉस के जानने की कोशिश और दूसरी यहां से बाहर निकलने की ख्वाहिश। हमारी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं। मां, मेरी तरफ देख। तू रोज मुझे बहू के लिए कहती है ना? हाँ। बता तुझे कैसी बहू चाहिए? गोरी, लंबी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, गरीबों की हमदर्द, दिल फूल जैसा, तेरी सेवा करने वाली। क्या 15 लड़कियां ढूंढ ली हैं? नहीं मां, ये सारे गुण एक ही लड़की में। हाँ मां। झूठा कहेगा? खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम मां? मेरे नाम क्या नाम है उसका? वनीता। वनीता, बड़ा प्यारा नाम है। नमस्ते आंटी। अरे आशा, तुमने सुना तेरे भैया ने तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है? दस भैया कहाँ है, कौन है वो? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारे उस पुलिस वाले का क्या हुआ? शादी वादी कर रहा है या यूं ही? ये बात नहीं है भैया, उनके दिल में क्या है कुछ समझ में नहीं आता। आज रात खाने पर आ रहे हैं, तुम भी आओ और उनसे खुल के बात करो। अच्छा आता हूँ, ठीक करता हूँ उसे। भैया भाभी को भी लाना।
अच्छा ठीक है, लेकिन पहले बैठो उधर उधर। हेलो, इज इट 572335? जरा वनिता जी को बुला दीजिए। वनिता, ये भैया पुलिस स्टेशन है। क्या स्टेशन? शायद जल्दी में गलत नंबर लिख लिया होगा। कहिए कुमार साहब, कितने मुजरिम पकड़े हैं आज तक? 100-200 को तो जेल भेज चुके होंगे, इसको कब कैद कर रहे हैं? दरअसल मेरे काम कुछ अधूरे हैं, पूरे हो जाएंगे बता दूंगा। बेटे बुरा ना मानना, मुझे तुम्हारा ये काम ही पसंद है। क्यों भाई क्यों? अरे भाई, हर वक्त खतरे की तलवार सर पे लटकी रहती है। मैं तो कहता हूं तुम ये काम छोड़ और मेरा सारा कारोबार संभाल, आखिरी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अंकल, ये काम तो मेरी जिंदगी है। जिंदगी या पेशा? मेरा पेशा ही मेरी जिंदगी है। अपनी जान पे खेल के मुजरिमों को पकड़ना और उन्हें जेल में बंद करना, यही पेशा है। अगर ये अधूरा काम पूरा करके शादी करने का इरादा है तो मेरे दोस्त, ये काम तो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे काम की बुनियाद ही गलत है। क्या मतलब? तुम मुजरिमों को अंदर करोगे, बाहर आकर वो फिर जुर्म करेंगे। ये सिलसिला यूं चलता रहेगा। क्या बात करते हो डॉक्टर, कानून का डंडा, जेल की चक्की और सजा का डर बड़े बड़ों को सीधा कर देता है। आज का अखबार देखा है तुमने? ये मुजरिम चौथी बार जेल से भाग चुका है। डर से किसी मुजरिम को जुर्म से तौबा करते हुए हमने कभी नहीं देखा। डॉक्टर, डर अगर नहीं होता तो सारी दुनिया मुजरिम हो जाती। इंसान तो क्या, भगवान ने भी जब इंसान को पैदा किया तो उसके अंदर नर्क और दोजक का डर डाला। सिर्फ डर नहीं मिस्टर कुमार, भगवान ने प्यार करना भी तो सिखाया है। इसीलिए कहता हूं मुजरिमों को प्यार दो, वो दिमाग ही बीमार है। उनका इलाज जेल नहीं अस्पताल है, उन्हें सजा नहीं प्यार की दवा दो, उनके बदन को नहीं हमदर्दी और कुर्बानी के जज्बे से उनकी आत्मा को कैद करो। हमदर्दी एक दरिंदे खूनी लुटेरे के साथ, कुर्बानी एक शैतान के लिए? तुम चाहते हो उन्हें सजा ना दी जाए? मैं पूछता हूं डॉक्टर, एक गंदे मरीज को दूसरों से दूर क्यों रखते हो? बदन का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे काट के क्यों फेंक देते हो? दोनों में फर्क है कुमार। आज तुम किसी कातिल को सजा दोगे, वो फिर कत्ल करेगा। अगर उसे अपने प्यार से बदलोगे तो उसके हाथ से आगे होने वाले जुर्म हमेशा के लिए रुक सकते हैं। तुम नहीं जानते डॉक्टर, इन इंसानी दरिंदों ने कितने घर उजाड़े हैं, कितनी जवानियां बर्बाद की हैं, कितनी आत्माओं के शीशे चकनाचूर किए हैं, और तुम उनके लिए प्यार और हमदर्दी चाहते हो। डॉक्टर, अगर कोई दरिंदा किसी देवी की लाज लूट ले, उसे मार डाले, तो शायद तुम अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी कुर्बानी से उसे सुधार डालो। लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्या तुम उस देवी की जिंदगी वापस ला सकते हो? क्या तुम उस देवी की लाज वापस ला सकते हो? डॉक्टर, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलो, जवाब दो, बोल सके डॉक्टर? अरे शांति शांति शांति, बात शादी से शुरू हुई और जंग तक पहुंच गई। अंकल, आज पता चला मेरा दोस्त भी बीमार है, अब इसका भी इलाज करना पड़ेगा मुझे। तुम अपनी खैर मनाओ डॉक्टर, मैं चाहूंगा कि तेरी जिंदगी में भी कोई मुजरिम आए और तुम अपने प्यार मोहब्बत से उसे बदल डालो, उस दिन होगी तुम्हारी परख। अगर ऐसा मौका आया तो मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूटीफुल, लवली, ऐसे मत करो, मुझसे फोटो नहीं ली जाती। तो मत लो, बस करो। अरे डार्लिंग, कैसे बस करूं,
आज लकीली तेरा गार्ड बाप ट्रेन में हरी झंडी दिखा रहा है और तुम्हें डॉक्टर के काम से भी फुर्सत है। आज कैसे बस करो डार्लिंग। अरे 100 रुपए का फोटो और व्हाट ए लवली गर्ल है। ब्यूटी क्वीन, एक मिनट, एक फोटो प्लीज। वन मोर। 100 रुपए का फोटो। वन मोर। अरे एक मिनट प्लीज। बहुत हो गया, चलो। ब्यूटीफुल, व्हाट ए लवली गर्ल। I'm sorry, आपको चोट तो नहीं लगी? कैमरा बहुत अच्छा है आपका। अरे ये क्या? अरे अरे कबूतर। कार्टून के औलाद, मेरा फिल्म काय को खराब किया? बोलते क्यों नहीं? देखो ना, काय को फिल्म निकाला, क्यों गिराया इसको? शुतुरमुर्ग की औलाद, टांग चलाने का इतना ही शौक है तो सर्किस में क्यों नहीं भर्ती हो गया? बोलता क्यों नहीं, इडियट। लड़की पे हाथ उठाते हो, कौन हो तुम? हाथ छोड़ो तो बता दूं। क्या हुआ सर? इसे बता देना कि मैं कौन हूं और जो नुकसान यहां हुआ है उसका बिल मुझे भेज देना। कमाल, आप कमाल कर दिया। कार्टून को एक ही मुक्के से हवाई जहाज की तरह उड़ाकर समंदरी जहाज की तरह सीधा पानी में क्यों डाले? ये क्या हाथ पाए, लोहे का है क्या? थैंक यू, थैंक यू। चला गया, अच्छा आदमी लगता है। जो को मालूम नहीं, ये यहाँ का सबसे खतरनाक सीआईडी ऑफिसर कुमार है। दिल का भी अच्छा लगता है। बोल सजना, मुझे छोड़ के यहाँ दिल तोड़ के लीरा, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए सजना। बोल सजना, मुझे छोड़ के यहाँ दिल तोड़ के लीरा, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए सजना। जाने के पहले कितना तरसाएगा और खुद भी तरसेगा तू।
इस हॉल में हीरो की नुमाइश होगी। ठीक 8 बजे हमारा आदमी सब बत्तियां बुझा देगा। जनरेटर ऑन होने में 2 मिनट लगेंगे। पुलिस को खत्म करके माल गायब कर दिया जाएगा। विक्रम और किट्टी बाहर मदद के लिए रहेंगे। दैट्स ऑल बॉस। अगर पुलिस को मारे बगैर काम हो जाए तो क्या मतलब? अंधेरा होते ही पुलिस वालों को बेहोश करके सब साथी हीरे मेरे हवाले कर दे। मैं पुलिस वालों के सामने आराम से निकल जाऊंगी। कैसे? इस बेचारे की हालत बहुत खराब है, इसे जाने दीजिए। दादा। यस सर। पहले इनकी तलाशी लो। तलाशी? इस हालत में इनकी तलाशी लेके क्या करेंगे? अगर रास्ते में ही हुआ हो गया तो क्या? जाना ले जाओ। ले साहब, मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? प्लीज। आप बहुत बेरहम हैं। व्हाट? ऐसी हालत में औरत की तलाशी लेते हैं? पुलिस वाले हैं क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। आपकी भी तलाशी होगी। डॉक्टर ले जाओ। माल लेने वाले माल लेके भाग जाएंगे। अब तलाशी लेंगे हमारी। ले लीजिए, ठेंगा मिलेगा। ओह कम ऑन। औरत किसी भी हालत में हो बेहोश का शौक मार डालता है उसे। आगे कितने हैं? मेरे तो 2 ही हैं, मगर पाली नहीं सकती। है ये क्या? Thank you.
तुम? हाँ मैं कुछ बताया तो गोली मार दूंगी। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, घर आने की कोई बात नहीं, लंच पे एक छोटा सा पैच है। या, आप कल इसी वक्त आ जाइएगा। ओ, राइट। तो मतलब ये हुआ, गरीबों से मोहब्बत करने वाली इसी देवी ने सेठ साहब की मां चोरी की थी। हाँ, आज तक लोग मुझे सिर्फ चोर कहते हैं, ज्यादा बोलोगे तो शायद खूनी भी कहेंगे। नहीं, तुम खून नहीं कर सकती, तुम एक अच्छी लड़की हो।
मैंने तो घर आकर मां से तुम्हारी इतनी तारीफ की, वो तो कुछ का कुछ समझ बैठी। क्यों करती है ऐसा काम? कोई मजबूरी है? मजबूरी कैसी? मजबूरी नहीं तो प्यार का दबाव होगा। हमारी डायरी में प्यार का नाम नहीं है, समझे? जाहिर, दिन भर तुम लोगों को लूटती होगी और रात को गैंग वाले तुम्हारा हुस्न लूटते होंगे। बको मत, कोई हाथ लगाए तो बदन छलनी ना कर दूं। जो रातें मोहब्बत और सुकून से गुजारने के लिए बनी है, वो रातें तुम जाग जाग कर डर और घबराहट में गुजारती हो। तुम्हारे पास ना अपनी कोई रात है ना अपना कोई दिन है। वाह, बहुत खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, बहुत ही अच्छी है। जिंदगी, तुम क्या जानो जिंदगी क्या है? कभी फाका किया है तुमने? नहीं ना। अच्छे कपड़ों के लिए तरसे हो कभी? क्या किसी बड़े आदमी ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है? क्या तुम्हारा भाई किसी गड्ढे में डूबकर मर गया है तुम्हारे सामने? तुम क्या जानो जिंदगी क्या है डॉक्टर, तुम क्या जानो? काहे दो, निकालो। थैंक यू। सुनो, बाहर शायद पुलिस होगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। अच्छा, हम दर्दी कर रहे हो? चलो। लेकिन सुनो, अगर कोई चालाकी की तो कसम है एक नहीं छह की छह डाल दूंगी। डॉक्टर अशोक, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हैं? ऊपर मेरी डिस्पेंसरी है, मरीज किसी भी वक्त आ सकता है। और आप? मेरी बीवी होने वाली। ठीक है, जाइए। डॉक्टर, तुम एकदम बुद्धू हो। एक चोर लड़की को बीवी कहने और उसकी मदद करने के लिए तुम अंदर हो सकते हो? मैंने किसी चोर लड़की की मदद नहीं की, हालात की शिकार एक मासूम लड़की का साथ दिया। बिल्कुल बुद्धू हो। ये लो, हम एहसान प्रमोश नहीं, जितना मर्जी ले। अगर दौलत से खुशी मिलती तो तुम खुश ना होती। जिनकी अमानत है उन्हें वापस लौटा दो, मुझे इससे भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए। क्या? मुलाकात का वादा। गाड़ी रोको, मैं कहती हूं गाड़ी रोको। नाउ गेट आउट। जी, गेट आउट, गेट आउट। वादा निभाया जाएगा डॉक्टर। आ,
अरे कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? रास्ते बंद कर रखा है। चलो डाली। क्या क्या हमने कुछ नहीं किया डाली, कल रात एक बच्चा होने वाले औरत का हमने मदद किया, इन्होंने हमको कर लिया। मुझको क्या मालूम था वो चोर और डाकू है। रात भर मच्छर काटते रहे और कुछ खाने को भी नहीं मिला। डाली तुमने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, इसने क्या किया है? इसको कैसे पकड़ा है? हमको क्यों बुलाया? बैठिए बताता हूँ। हम बैठेगा नहीं, हमको बहुत जल्दी है, हमारा ट्रेन जा रहा है। ये क्या है? ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं, समझे? बैठो बैठो, आप यहाँ आइए। डिकॉस्टर आपका नाम है? यस, डब्ल्यू सी डिकॉस्टर, रेलवे गार्ड। मिस डाली आपकी लड़की है? यस। शक्ल नहीं मिलता? हाउडर। यस सर। उसे मारेगा। राखी, आप लोगों को घर रहता है? नो। यस, हमारे साथ वाले कमरे में रहता है, हमने कमरा किराए पे दिया हुआ है। देखो राखी, तुम इनके सामने साफ साफ बता दो कि वो लड़की कौन थी और वो गैंग कौन सा है। सर, रात वाला रिकॉर्ड चालू कर दिया। मैंने कितनी बार कहा मैं उस लड़की को नहीं जानता। मेरा तो इस दुनिया में डैडी डॉली के सिवा और कोई है नहीं। क्यों डैडी? यस। आप इसको कब से जानते हैं? जब से हमारा फोटो लिया। ओहो, कितने साल से जानते हैं? मैं बताता हूँ डाली, 2-3 साल से तो हमारा चक्कर चलता होगा ना। आप इसको 2-3 साल से जानते हैं? और आप इसके होने वाले ससुर हैं? ये पूछने को किसने कहा था? क्या बोला? क्या हम तुम्हारा सुनता रहा? हम तो बात की बात बोला था। हम इधर एक मिनट नहीं ठहरेगा। चलो डाली, हम भी चलता। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। ऊपर से? क्या ऊपर वाले पुलिस में भर्ती हो गया क्या? हेलो। यस सर। नॉनसेंस, पुलिस का इतना जबरदस्त पहरा और इतनी बड़ी चोरी, प्रेस वाले मुझसे सवाल करते हैं, क्या जवाब दूं उन्हें? क्या कहूं उनसे कि एक मामूली लड़की आप सब की आंखों में धूल झोंके भाग गई? वो लड़की अकेली नहीं थी सर, उसके पीछे एक बहुत बड़े गैंग का हाथ है। सर, ये केस बहुत ही गहरा लगता है, मेरे ख्याल में इसे सीआईडी के हवाले कर देना चाहिए। ठीक है, इस केस को हल करने में कितने दिन लगेंगे? मैंने अभी तक इस केस की फाइल नहीं पढ़ी है सर, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं कि जल्द से जल्द इस गैंग को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यह केस तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है। अरे आपको भी पकड़ लाए, आपने भी किसी बच्चा होने वाले की मदद की है। कमला, आप से बात करो। आप भी पुलिस में हैं? ये इसके सिद्धांत। बैठिए राजा, उसकी तलाशी क्या निकला? चार बच्चिया ने ये घड़ी, डॉली के फिंगर लेटर और ये कैमरा। जरा उसको बुलाइए। पालदा बाहर ले आ। इसके अंदर कोई फिल्म थी? यस, ड्रग हुई। ये मेरे दोस्त है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? लॉकी। काम क्या करते हो? फोटोग्राफी करता। ये मेरा कैमरा है। तो सर, तुमने तस्वीरें तो जरूर ली होंगी। जी हाँ, इसमें है, इसमें है। जरा इनको बुलाइए। लाला,
यस सर। लेकर आओ। चलो। लैला, लैला, बैठिए। हम फदर से बैठा, कब तक बैठेगा? हम पूछते हैं ये पुलिस स्टेशन है या वेटिंग रूम? क्या नाम है आपका? WC द कोस्टल रेलवे गार्ड। तो आप हैं मिस डॉली डिकोस्टा? यस सर। ये चिट्ठियां आपने इनको लिखी हैं? क्या काम करती हैं आप? मैं डॉक्टर अशोक रॉय की यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ। डॉक्टर अशोक रॉय? यस सर। जरा उनका नंबर तो मिलाइए। 292929। मैं रोज मिलाता हूँ इसलिए। हेलो, इज दैट डॉक्टर अशोक रॉय? यस। वन मोमेंट प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब, मैं राज बोल रहा हूँ। ओह हेलो, आज कैसे याद किया? कल रात हीरों की नुमाइश से जो लड़की हीरे उड़ा के ले गई, उसकी खबर तो होगी आपको। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था। आई सी। और हाँ, ये लड़की मिस डॉली डिकोस्टा, ये आपके यहाँ काम करती हैं? हाँ, करती तो है। क्यों, आपका ख्याल है ये चोरी उसने की है? इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इंक्वायरी कर रहा हूँ। नहीं मिस्टर राज, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये ऐसा काम नहीं कर सकती। आई सी। और उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर रॉकी? क्यों, उसने क्या किया? वो उस लड़की की मदद करने के सिलसिले में पकड़ा गया। नो मिस्टर राज, ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, आपने खामखा इनको पकड़ा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अंकल आप? हाँ बेटे, इन्होंने मेरी गाड़ी के स्टेटमेंट के लिए बुलाया। ओह आई सी, आइए। हम लोग प्रेस वाले हैं। बेटे पता चला ये केस तुम्हारे हाथ में आ गया? हाँ अंकल, हाथ हो गया है। कमाल हो गया, 5 मिनट के लिए मीटिंग में गया और बाहर से गाड़ी गायब। कमबख्तों ने गाड़ी चलना चूर करके रखती। सुना है एक आदमी पकड़ा गया? जी हाँ, एक साहब पकड़े गए हैं, फोटोग्राफर साहब। वहां इन्होंने तस्वीरें भी ली हैं, लेकिन उस वक्त इनके हाथ कांप रहे थे, एक तस्वीर के ऊपर दूसरी लेते रहे और सब खराब कर दिया। समझा, मैं अंधेरे में रोशनी के लिए फ्लैश चलाता रहा, फिल्म घुमाना ही भूल गया था। आई एम सॉरी सर। अरे साहब, मुझे जाने दीजिए, अभी आप जा सकते हैं। ओ थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरी चीजें। मिस्टर भास्कर, इनकी चीजें वापस कर दीजिए। ओ थैंक यू वेरी मच। सेवा के कैमरा के। कैमरा क्यों? कह दिया ना। समझ गया। चलो डाली, चलो डाली, चलो डाली। ए डैडी, एक मिनट सर, ये मेरा गॉड डैडी है, इसको एक रात के लिए इधर रख सकते हैं। आउट आउट यू गो। ओह सॉरी सॉरी, चलो डाली, थैंक यू वेरी मच। अनेक गाय रानी, यू आर वेरी लकी गर्ल रानी, रियली वेरी लकी। ऐसा लगता है बॉस तुम पर कुछ जरूरत से ज्यादा मेहरबान है। गलत, यूं कहो कि मैं जरूरत से ज्यादा बॉस के काम आ रही हूं, समझी? मैं गाली क्या हुआ? जरा बचपन याद आ गया था। ये मेडल देखो, ये मेरे भैया की निशानी है। एक रात ऐसा तूफान आया कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ ये रह गया, और ये मेरे भैया की बाहों की तरह मेरे गले में पड़ा रहता है। उसने कहा था ऐसी गुम मत करना,
ये रह गया और मैं खुद गुम हो गई। खैर छोड़ो, चलो। ए बुढ़िया, देखकर नहीं जलती? क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी से जानबूझ के टकरा कर पैसे बटोरना ऐसे लोगों का पेशा होता है। ये लो विषय, हटो यहाँ से, जा। हमको पैसा नहीं मांगता साहब, हमको पैसा नहीं होता। वाह वाह वाह, बड़ी चालाक लगती है। ऐसा लगता है 20 रुपए से काम नहीं चलेगा। ये 100 रुपए बता, हो जाओ यहाँ से। विक्रम, गरीब के दर्द का दौलत से मजाक मत उड़ाओ। चलो केजी, इन्हें अंदर ले चले। चलो चलिए माँ जी। ये सारे खराब तस्वीर है, इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी एक गलत तस्वीर लेने की इतनी सजा क्यों दे रहे हैं साहब मुझे? ओए शट अप यू, शट अप। कहाँ फंस गए सब? मुझे लाल लाल क्यों नजर आ रहा है? घड़ी, रॉकी, ए रॉकी, इस निशान वाली जगह को जल्दी इलाज करो। और? हाँ हाँ और। गॉड के लिए मुझे बख्श दीजिए आप। जल्दी उठो, चलो जाओ। मैं कह रहा था जल्दी जाओ। ये क्या? जो उठो चले। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों? उस दिन हीरों की नुमाइश पे डाका अच्छा था। लेकिन क्या सबूत है आपके पास? कुमार बगैर सबूत के नहीं आता। आओ। क्या हुआ? बालगा होटल की पूरी इंक्वायरी के बाद सिर्फ एक ही लड़की पर शक पड़ता है और वो है वहां की कैबरे डांसर किटी। जिस दिन हीरो का डाका पड़ा था उस दिन उस लड़की ने शराबी बनकर मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश भी की थी। ये घड़ी देखो, ये वही घड़ी है जो हीरों के डाके के दिन उस लड़की ने पहन रखी थी और इसी अनोखी घड़ी के जरिए हम उस लड़की को फौरन पकड़ सकते हैं।
डार्लिंग, डैडी ट्रेन लेकर गया, छुट्टी होते ही घर आओ, पटाखा बनो, वालगा होटल चलेंगे। मैंने उनसे पूछा है, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। संजय नहीं मानता, इसका बाप भी मानेगा। डॉक्टर, तुम्हारा इतना नाम है, सारे शहर के घर घर में तुम्हारी शफा का चर्चा है, तुमको लोग गॉड मानता है। हम पूछता है, तुम हमारे लिए विलन काय को बना? विलन? विलन नहीं तो और क्या। जब हमने टेलीफोन करके बोला कि 7:30 बजे को हमारे घर को आओ, हमारा मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, काय को ना बोला? आपकी मम्मी? यस मा, नो डॉक्टर, हमारा बाबा लोग का मम्मी, आई एम टू ओल्ड। डॉक्टर, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करता है। लव का मतलब समझते हैं? ओह गुड, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज उसका बाप एक दिन के लिए बाहर गया है, तो हमको बहुत अच्छा चांस लगा। चांस लगा? नो डॉक्टर, दरअसल बात यह है, उसका तबीयत बहुत खराब है ना, उसका जरा देखभाल करने का चांस लगा। डॉक्टर चलो प्लीज उधर चलो, तुम उधर जाएगा, इधर हमारा काम हो जाएगा। डॉक्टर से बीमारी क्या है? बीमारी डॉक्टर, वो तो तुम उधर जाएगा तो तेरे को खुद ही पता चलेगा। अच्छा तस्वीर कितना रखूं डॉक्टर? अरे नहीं नहीं, अब बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। ओ हम समझा तुम फीस के बारे में बोला, डॉक्टर लोग पहले फीस मांगते हैं ना इसलिए। अच्छा, ओ आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम वेरी सॉरी। हाँ तो चलिए, कहाँ जाना है? नो डॉक्टर, अभी नहीं जाना, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ होगा। क्या शुरू नहीं हुआ होगा? मेरा मतलब, उसको रात को 7:30 बजे दौरा पड़ता है, फिट पड़ता है, उससे पहले जाने का कोई फायदा नहीं डॉक्टर। आपको 7:30 बजे? ओह यार, टिपिकल दौरा डॉक्टर। ठीक है 7:30 बजे। और थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर, हम चलता है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। बाय। थैंक यू। कहाँ जाना होगा? वालगा होटल। वालगा? नो वालगा होटल के पीछे, पीछे वाली गली में। पीछे वाली गली? डाले जरा इधर आ। डॉक्टर, तुम इतना बड़ा डॉक्टर है और तुम्हारा छोटा सा डिस्पेंसरी हमको अच्छा नहीं लगता। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं डॉक्टर, आज अगर हमारा काम हो गया, मतलब हमारा बीवी ठीक हो गया, तो हम तुमको बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना के देगा, उसमें बीमार ही बीमार होगा, कितना भी पैसा लगेगा कोई घबराने की बात नहीं, हम खर्च करेगा। डॉली इनसे मिलो, ये है, क्या नाम क्या बताया आपने? मिस्टर अल्फेंसो, जॉन फ्रेडरिक अल्फेंसो। जॉन फ्रेडरिक अल्फेंसो, राइट। आज शाम को 7:30 बजे तुम हमारे साथ अल्फेंसो की बीवी, मिस्टर अल्फेंसो, मिस्टर अल्फेंसो की बीवी मिसेज अल्फेंसो को देखने चलोगी? राइट, मिसेज अल्फेंसो। नो डॉक्टर, इनको उधर नहीं लेके जाना, हमारा बीवी बहुत पुराने ख्याल का है, देखो अगर वो इनका ये नंगा टांग देखेगा तो बहुत गर्म हो जाएगा। रखी तुम्हारे मुंह में। I'm sorry, doctor. हम विलन, हम मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम हमारे लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना गए। खड़े हो चलो डाले ले भारा लोरा क्या? बैड लक, मेरा टेलीफोन दबा। लोग इधर ठीक होने को आता, एक हम ही जो बीमार होते जाता। हेलो डॉक्टर, आज रात 9 बजे बोलगा नाइट क्लब। Guru, 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 Gu
मैं एक मरीज को देखना है। चलिए बैठ आई। जाने जाओ मेहरबान तुझको क्या है
नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते। सुनो, ये पीटी डांसर है ना, इसके कमरे पे निगाह रखो, 405, और देखो वहां कौन कौन आता है, और अगर हो सके तो तस्वीरें भी ले लो। बाबा जान, मेरे को तो थोड़ा बिजी था, मेरे चलो ना। हाँ हाँ चलो आओ। अंदर बहुत बदमाश लोग हैं। क्या बे? अब तुम्हारा याद आना ठीक नहीं। डॉक्टर, जानते नहीं हो कि मैं इतनी बुरी हूं, फिर भी मुझसे मिलना चाहते थे, आखिर क्यों? तुमने ठीक कहा, यही सवाल मैंने भी अपने आप से कई बार किया, और हर बार मुझे, जानते हो क्या जवाब मिला? कांटों में खिलने वाला फूल ज्यादा खुशबूदार होता है। फूल की जिंदगी क्या होती है ये शायद तुम नहीं जानते। लेकिन अगर वही फूल भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो वह अमर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, गुनाहों की सेज पे चढ़ा हुआ फूल भगवान पर नहीं चढ़ाया करते। लो पियो। मुझे इस आग की जरूरत नहीं। मैं भी तो एक आग हूं, करीब आओगे तो जल जाओगे। तुम्हें कितना ख्याल है मेरा, मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हें पाना मेरी आरजू ही नहीं फर्ज भी है। नादान ना बनो डॉक्टर, तुम एक अच्छे आदमी हो, मुझे भी अच्छे लगते हो। मैं नहीं चाहती कि हजारों इंसानों का दर्द बांटने वाला इंसान मेरी वजह से खत्म हो जाए। ये लो अपनी अमानत, तुमसे मुलाकात का वादा किया था, पूरा कर दिया। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। थैंक यू डॉक्टर। वनिता, मेरी बात तो सुनो। कहने सुनने से कोई फायदा नहीं डॉक्टर, समझने की कोशिश करो। सुनो तो अब। कमीने, यहां क्यों आए हो? कहां हो जा रहे थे? डॉक्टर, लगी तो नहीं? तुमने तो कहा था तुम्हारी डायरी में प्यार करना हमें नहीं है। बात यहां तक पहुंच चुकी है
डॉक्टर और रानी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नहीं बॉस, रानी ने अभी तक कुछ नहीं किया, रानी फिर भी हमारे काम आ सकती है, क्यों ना डॉक्टर अब्दुल। डॉक्टर अशोक राय। हेलो, कौन? डॉक्टर साहब, मेरी मां मर रही है, डॉक्टर साहब उसे बचा लीजिए। अच्छा, एक काम करो, तुम उसे यहां ले आओ। गरीब मजदूर के पास इतने पैसे होते तो आपको टेलीफोन क्यों करता डॉक्टर साहब? कहां ना होगा? समंदर के किनारे मेकर टावर की बिल्डिंग बन रही है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। आत्मा को शांति मिलती है तो ये लो, लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह आगे ले आता हूं, तुम जहां कहोगे वहां मैं पहुंचा दूंगा। I'm coming.
ऐसा लगता है अब्दुल नशे में दूध गाड़ी चला रहा था। गाड़ी पहाड़ से गिरी और गाड़ी के साथ ही जलकर राख हो गया। और डॉक्टर? यह हादसा डॉक्टर तक पहुंचने से पहले हुआ। वेरी गुड रॉकी, गुड जॉब डन, कमाल कर दिया तुमने। ये लो तुम्हारा इनाम, इसे अपने पास रखिए और मेरा एक काम कर दीजिए। क्या? मुझे चार आदमी चाहिए और एक फोटोग्राफर चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो चार आदमी मेरी कब्र खोद सके और वो फोटोग्राफर मेरी फोटो लेकर दुनिया को बताए कि ये है वो डैम फूल जो 100 रुपए के लिए गुल हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, रात को मैं इस आदमी से कैसे बचा हूँ ये ऊपर वाला ही जानता है। ये देखिए इतना बड़ा चाकू है, वो सीधे करके अंदर गुजर रहा था। आप हंस रहे हैं, अपना पटाखा लेकर तो चले गए और मेरे वाले को घर भेज दिया और कहा बेटे चढ़ जा सूली पर, गॉड भला करेंगे। आज पता चला पुलिस वालों की मोहब्बत और पैसा हजम करना कितना मुश्किल होता है। देखिए जनाब, आपने जो मुझे 100 रुपया दिया था ना, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अच्छा नमस्ते, बाय बाय, सलाम अलैकुम, मेहरबानी, शुक्रिया, अनायत, नवाजिश, शफकत, थैंक यू, कृपा। रॉकी, रॉकी मेरे बच्चे, तुम डॉली से शादी करना चाहते हो ना, तो सुनो, जिस दिन वो डाके वाली लड़की और उसका बिग बॉस पकड़े जाएंगे तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे और उन 10,000 से तुम डॉली से शादी कर सकते हो। 10,000 डॉली से शादी? लेकिन उसका बाप गार्ड? उस गार्ड को तुम एक दिन के लिए बंद करवाना चाहते थे ना, मैं उसे 10 दिन के लिए बंद कर दूंगा और तुम्हारा हनीमून भी हो जाएगा। बदतमीज, माफ कीजिए सर, मैंने गलती से आपको काट दिया। दरअसल मैं अपने आपको काट के देखना चाहता था, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। ठीक है, जैसे मैं कहूं वैसे करते जाओ जी। क्यों भाई, वो कुमार ने उस केस के बारे में क्या किया? कामयाबी हो रही है लेकिन वो एक को नहीं सारे गैंग को पकड़ना चाहता है। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग डैड। हाँ बेटे कैसे हो? ये खुला गया, इसे पूछ लो। क्या? अरे भाई वो ज्वेलरी के डाके के बारे में कुछ पता चला? उन छोटे मोटे को तो मैं कभी पकड़ सकता हूं लेकिन उस गैंग का जो बॉस है ना, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। अरे बेटे मेरी तरह उंगली करके मुझे क्यों इज्जत बख्श रहे हो? अच्छा सुनो, मुझे लड़की ने डाका डाला था उसका कुछ पता चला? उसी के पीछे हूं अंकल, बच के कहां जाएगी। क्यों, क्या हुआ? जी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और मैं संभाल ना सकी। ओह आई सी, ठीक है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है आपको? आप मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। टैक्सी स्टैंड? ठीक है, थम्स अप। अरे हाँ सुनो, मेम साहब की गाड़ी खराब हो गई है, इसे ठीक करवा के कहाँ पे ले आए? जी डॉक्टर अशोक राय के यहाँ। डॉक्टर अशोक राय, वही जो जुबिली पैलेस स्कीम में रहता है? जी। वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। चलिए मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ, गाड़ी वहीं ले आना है। चलिए। अरे कुमार बेटे आओ आओ। नमस्ते माँ जी, आपसे मिलिए, आपके मेहमान। माँ जी आपने पहले मुझे नहीं देखा, मेरा नाम वनीता है। वनीता? आओ बेटे आओ, आओ वनीता। अरे अशोक की होने वाली बहू है। आओ बेटी आओ, आओ बैठो यहाँ बैठो। जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया है, भगवान भला करे कुमार का। अरे बेटा तुम अभी तक खड़े हो, बैठो ना, बहू रानी की चाव में मैं तो तुम्हें भूल ही गई। तुम वनिता को जानते हो?
नहीं माँ जी, ये मुझे अचानक मिल गई थी। अशोक कहाँ है? अरे वो तो इसे ढूंढने गया होगा। मैंने सुबह कहा था अगर बहू रानी को नहीं लाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा हुआ वो इसे ढूंढ रहा होगा और ये मेरे पास बैठी है। अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ। बस अशोक से कह दीजिएगा उसकी पसंद से मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते। अच्छा बहुत अच्छा लड़का है। माफ कीजिए वनीता जी, ये नेकलेस शायद आपका है, लगता है कोई खास बात है इसमें, जीप में रह गया था। आज एक ही दिन में आपके मुझ पर दो एहसान हो गए। क्या करूं, मजबूरी है, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। क्यों माँ जी? हाँ बेटा। मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर इधर आओ। तुम क्या समझते हो कि तुम जो कुछ भी यहां करते हो उसकी हमें खबर नहीं मिलती? सच सच बताओ, वनीता नाम की लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या मतलब? अंदर जाके देखो, माँ जी तुम्हें उम्र भर कैद करने का इंतजाम कर रही है। नहीं समझा? अरे बुद्धू, वनीता की गाड़ी खराब हो गई थी, मैं उसे यहां छोड़ने आया। और सुन, लड़की बड़ी अच्छी है, विश यू ऑल द बेस्ट। तेरे जैसी देवी के आते ही ये घर प्यार का मंदिर बन जाएगा। नहीं माँ जी, आप नहीं जानती कि मैं क्या हूं। मैं नहीं जानती, मेरी तरफ देख। माँ के गले लगकर मेरी आत्मा की आवाज सुन के तू क्या है? तू मेरे लाल की खुशी है, इस घर की लाज है मेरी बच्ची। अरे उदास हो गई? अशोक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मैं जानती हूं कि तुम्हारी माँ नहीं, आज से मैं तुम्हारी माँ हूं। खैर मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? कैसी लगी मेरी माँ? कुदरत का खेल देखा? जिस आदमी की जिंदगी का मकसद ही तुम्हें पकड़ना है, आज वही तुम्हें मेरे घर पे छोड़ गया। आ गई बेटा, कितनी सुंदर जोड़ी है, कहीं मेरी नजर न लगता। चलो भगवान को प्रणाम करो, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ले बेटी, ये कंगन इस घर में तुम्हारी अमानत है जी। इस घर में आने वाली बहू को पहनाना यहाँ की रीत है। बेटी, अशोक मेरा इकलौता बेटा है, आज मैं इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। माँ जी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। एक शर्त पर, इतवार को आना होगा। इतवार को क्या है माँ? इतवार को तुम्हारे अशोक का जन्मदिन है, समझी? कितनी भोली है तुम्हारी माँ, तुमने मेरे बारे में उनको बताया क्यों नहीं? तुमने क्यों नहीं बताया? उनका भरपूर प्यार देखकर हिम्मत नहीं हुई। लो इसे वापस लौटा दो। नहीं वनीता, इसे पहले रखो, तुम्हारे हथकड़ियों के निशान छिपे रहेंगे। काश ऐसा हो सकता, अब तो मौत के बाद चिता की आग ही इन्हें मिटा सकती है। कैसी बुजदिली की बातें करती है, जो लड़की अकेली इस दुनिया का मुकाबला कर सकती है, पाप के दरिया में रहकर अपने दामन को भीगने से बचा सकती है, वो गुनाहों के जंजीरों को तोड़ नहीं सकती? अपने आप में हिम्मत रखो, जब तुम बहू बनकर इस घर में आ जाओगी। नहीं अशोक, नहीं,
मैं जानती हूँ मेरे सुहाग का दूसरा नाम तुम्हारी मौत है और ये मैं नहीं, नहीं, नहीं। इसे माजी को लौटा दो और कहना ये उस देवी को दे जो उसके घर में खुशियों का उजाला लाए, उसके लाल की मौत का अंधेरा ना लाए। अशोक अनिता, अच्छा एक बात बताओ माँ। क्या बात है बेटा? एक आदमी मुझसे बहुत प्यार करता है, आज उसका जन्मदिन है, जाती हूं तो बहुत बुरा है, नहीं जाती तो दिल नहीं मानता, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हम तो पहले ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ दिल का गड़बड़ है। तुम खुद समझदार है बेटा, हम तुमको क्या बताएगा। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर। लीजिए केक आ गया, डॉक्टर साहब ये छुरी लीजिए और केक काटिए जल्दी से। मेरा दिल कहता है वनिता जरूर आएगी, वो आ गई है। कितनी देर कर दी, देख वक्त देख, देख जरा ये क्या पहन कर आई, चल चल जल्दी। अच्छा हुआ आप आ गई, काफी इंतजार करवाया आपने। और ये है आशा, अशोक की मुंह बोली बहन। नमस्ते। नमस्ते। चल बेटे। जन्मदिन का, चल चल ऊपर। कहाँ देखा है इसको, कौन है ये लड़की है? काफी समझदार लगते हैं। मैंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के आती, छी ये ले। देखे, तुमने इस लड़की के माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताया। सेठ जी ये लड़की से शादी कर रहे हैं, उसके माँ बाप से नहीं। ओ, 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 आ गई। सुनिए माँ जी कुछ कहना चाहती हैं। भाई और बहनों, ये वनिता है, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि थोड़े ही दिनों में ये इस घर की बहू बनने वाली है। खुशी नहीं हुई आपको? डॉक्टर पसंद नहीं? अगर ये कोई गड़बड़ करे तो मुझे कहिएगा। ये लो केक काटो। केक कटो जा, केक काटते हो प्लीज। प्लीज वन मिनट मोर। आए इधर इधर, आप डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए। हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या सोच रही? माँ को कब तक धोखे में रखोगे? एक दिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं, तो मैं फकीर से कहूंगा माँ कीचड़ से निकले हुए इस कमल के फूल को देख, अच्छों के साथ रहकर तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन बुराई की दलदल से निकलने वाला महान होता है। अशोक मेरा दिल डर रहा है। मुझ पे भरोसा नहीं? आओ
अंदर चलते हैं। तुम मैंने अंदर नहीं ले जाओगे डॉक्टर, इन्हें अंदर मैं ले जाऊंगा। वनीता देवी, हीरों के डाके के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। नहीं कुमार, ऐसा मत करो। वनीता इस वक्त उस सीमा पर खड़ी है जहां बुराई खत्म होती है और नेकी शुरू। तुम्हारा मतलब है मैं इसे छोड़ दूं? नहीं कुमार, सिर्फ इतनी मोहलत दो कि पश्चाताप के आंसू बहाती हुई ये खुद कानून के पास चली है। एक बात बताओ डॉक्टर, तुम मुजरिमों को प्यार से सुधारने का तजुर्बा कर रहे हो या सच मुझे से प्यार करते हो? मैं इसे प्यार करता हूं। चुप रहो डॉक्टर। अगर तुमने इसकी बजाय किसी वेश्या से प्यार किया होता तो भगवान कसम मैं उसे अपनी बहन बनाकर अपने हाथों से तुम्हें सौंप देता, क्योंकि उनके पापों की कोई हद होती है। लेकिन ये लोग, इनका एक एक सांस समाज के लिए जहर है, और ये लाल जोड़ा जो इसने पहन रखा है, ना जाने कितनी मासूम जवानियां इस लाल जोड़े के ख्वाब देखने से पहले खत्म हो गई। आओ मेरे साथ। नहीं कुमार, मेरे होते हुए तुम इसे नहीं ले जा सकते। डॉक्टर, कानून तो ये कहता है कि इस लड़की की मदद करने के जुर्म में मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूं। तो कर लो गिरफ्तार, डाल दो मुझे भी जेल में और बढ़ा लो जेलें। कुमार, अगर अच्छा समाज चाहते हो तो मुजरिम को नहीं उसके जुर्म को खत्म करो। बंद करो ये भाषण। रुक जाओ। डॉक्टर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। क्या हुआ क्या? माफ कीजिए मां जी, आपका बेटा जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता है वो लड़की एक डाकू है। मेरी जमानत कबूल करने का शुक्रिया। चलो बेटे। डॉक्टर, अब भी उस लड़की का पता बता दो। कह चुका हूं मुझे नहीं मालूम, और अगर मालूम होता भी तो कभी नहीं बताता। बच के कहां जाएगी? एक ना एक दिन मैं उसे पकड़ ही लूंगा। सिर्फ उसका जिस्म, मैं उसकी आत्मा को पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मौका भी चाहता रहा। आइए अंदर चलो। मारने डॉक्टर को लोगों ने पत्थर मारे, मैं इसका बदला लेने। मुझे अपने भाई की कसम, मैं कुमार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आइए डैडी। बेटे, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं डैडी, आशा के डैडी ने यह शर्त रखी है कि अगर मुझे आशा को हासिल करना है तो मुझे अपना काम छोड़ना होगा।
बेटे ये ठीक है कि तुम मेरी औलाद नहीं हो, लेकिन लेकिन मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला है। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। मैं चाहता हूं कि तुम हरनामदास की बात मान लो। डैडी, ये आप कह रहे हैं? नहीं डैडी नहीं, अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए अगर मुझे आशा कभी भूलना पड़े तो मैं भूल जाऊंगा। तुम भूल सकते हो, बहुत बहादुर हो ना। आज पहली दफा मुझे पता चला तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। तुम सिर्फ मुजरिमों को पकड़कर अपना नाम रोशन करना चाहते हो। नहीं आशा, एक बात जो डैडी के सिवा और किसी को मालूम नहीं, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम ये तो जानती हो कि मैं उनकी औलाद नहीं हूं, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं उनकी मेहरबानियों से पला हुआ एक गरीब मजदूर का बेटा हूं, जिसकी जिंदगी का सरमाया सिर्फ दो बहनें थीं। बड़ी बहन को एक मुजरिम ने उसका सब कुछ लूट कर मार डाला और छोटी बहन मुझसे बिछड़ गई। बड़ी बहन को मौत के मुंह से तो वापस नहीं ला सका, लेकिन अपनी छोटी बहन को कैसे भूल जाऊं? जब तक रानू का पता नहीं चल जाए मेरे लिए हर खुशी हराम है। तो क्या मैं इसे तुम्हारा आखिरी फैसला समझूं? ठीक है, तुम अपने जिद पर अड़े रहो, डैडी अपने जिद पर अड़े हैं। वो जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कर देंगे और एक दिन तुम सुनोगे एक दुल्हन ने अपनी सुहाग रात मौत से मनाई। तुम्हें तुम्हारी बहन मिले ना मिले, लेकिन मेरी लाश जरूर मिलेगी। रुक जा, तेरे हाथ बंधे हैं, कर्मों की जंजीर में अपने खून को गले लगाना नहीं तेरी तकदीर में। कैसा है नसीब तेरा, कैसा तू संभाली है। कैसा है नसीब तेरा, कैसा तू संभाली है। सब कुछ पाया तूने, सब कुछ पाया तूने, फिर भी झोली खाली है। कैसा है नसीब तेरा, कैसा तू सवाली तूने। सारी खुशियां खो दी पाप की काली रातों ने, रह गए गम के जलते आंसू तेरी प्यासी आंखों में। कैसा है नसीब तेरा, कैसा तू संभाली है। सब कुछ पाया तूने, सब कुछ पाया तूने, फिर भी झोली खाली है।
कैसा है नसीब तेरा, कैसा तू सवाली अपने दांत छुपा ले तू, तेरे किए की यही सजा है, मौत को गले लगा ले तू, कैसा है नसीब तेरा, कैसा तू सवाली है, सब कुछ पाया तूने, सब कुछ पाया तूने, फिर भी झोली खाली है, कैसा है नसीब तेरा, कैसा तू सवाली है, अपने दाग छुपा ले तू, मौत को गले पागल पर मुझे मार जाने दो। आखिर हुआ क्या? जिस कुमार को मैं खून करने गई थी वही मेरे बचपन का बिछड़ा हुआ भाई है। हाँ, तो फिर मरने क्यों लगी थी? ताकि मेरी गंदी जिंदगी का ताला धब्बा मेरे भाई के माथे का कलंक न बन जाए। समझ गई पगली, अगर मरना ही है तो कुछ करके मरो। बॉस और उसके जलील साथियों को मार कर क्यों नहीं मरती? क्या मतलब? तुम दिलेर हो, समझदार हो। जिन पापियों ने हमारी जिंदगी में जहर घोल रखा है उन्हें खत्म कर दो रानी। इससे न सिर्फ लोगों का भला होगा, तुम्हारे भाई का नाम भी रोशन हो जाएगा। इस नक्शे से मेरा भाई आसानी से अड्डे पे पहुंचकर बॉस और उसके सारे साथियों को गिरफ्तार कर सकता है। बॉस? हाँ, मुझे ये नक्शा भैया को पहुंचाना है और आशा से मिलकर भैया के प्यार को सलामत रखना है। आज रात हमें बॉस के चेंबर की सारी खुफिया मशीनें भी खत्म करनी होंगी ताकि मेरे भैया को अंदर पहुंचने में कोई खतरा न रहे। लेकिन भैया तक पहुंचोगे कैसे? वो मेरा काम है। पठान कब से मेरा पीछा कर रहा है? क्यों बे, शरीफ लड़कियों का छेड़ता है? क्या या, वो मेरा माशूक है। नहीं नहीं, हमारा साहब ये झूठ बोलता है, झूठ। भाग यहाँ से, नहीं तो अंदर कर दूंगा। अरे फुटफुट फुटफुट बोलता तेरी तो। मैं खुद उस गैंग के लिए परेशान हूँ। जी हाँ, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। थैंक यू। हाँ मैं। टेलीफोन के तार काट दिए गए हैं, मेरे भाई का सब कुछ लूट कर अब यहां क्या करने आई हो? तुम्हें कुछ देने, तुम्हें ये बताने कि कुमार की बहन जिंदा है। जिंदा है? कहां है वो? मैं बहुत जल्द उसे कुमार से मिला दूंगी, इसलिए कोई ऐसा काम न कर बैठना जिससे तुम्हारी और कुमार की मोहब्बत का खून हो जाए। तुम
मुझसे इतनी हमदर्दी की? एक बहन होने के नाते तुम उसकी मुंह बोली बहन हो ना, जिसे मैं प्यार करती हूं। मेरा प्यार मुझे मिले ना मिले, मगर तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हारे प्यार को सलामत रखे। पूछो इसे, ये पागल हो रही है, खुद तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहती रहती है। जरा सा मैंने कुछ कह दिया तो बिल्ली की तरह टूट पड़ी मुझ पर। प्यार इससे, लड़ाई मुझसे जो कभी नहीं है। ए, 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 गोली किसने चलाई? ए, तुम पकड़े से। देखो ये सब कुछ मजाक में हो रहा है, बॉस को बताने की कोई जरूरत नहीं। ले जाओ इसे उधर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी जान, अगर इतना प्यार करती हो तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हें भी ऐसी की तरह बर्बाद हूं। अरे बहुत भोली हो। अरे तुम्हें विक्रम और एंथनी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता? विक्रम बॉस का सिर्फ दायां बाजू ही नहीं, बल्कि वो मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। और फिर एंथनी तो गैंग छोड़ जाए, इसलिए एंथनी को बॉस ने। बॉस? बॉस कौन है, कहां से आता है, कहां रहता है, किसी को नहीं मालूम। अगर बॉस को हमारा प्यार पसंद ना आया तो? ओहो, बॉस विक्रम की बात को कभी नहीं टाल सकता। जब भी वो आएगा ना, मैं उसे साफ साफ कह दूंगा। नहीं, पहले बॉस से शादी की बात कर लो। चलो अब सो जाओ। तुम्हें मेरी कसम, औरत के बदन में जब आग लगी हो तो उसे दौलत नहीं चाहिए, उसके लिए तो विक्रम है, मेरे लिए कौन है? तुम्हारे लिए मैं जो। चलो। कहाँ? अंदर। ना बाबा ना, अंदर बॉस है। बॉस? वो कभी इतला दिए बगैर नहीं आता। चलो। क्या बाजू है, क्या जिस्म है। दरवाजा खुला है। मैं रोज रात को यहाँ आऊँ? जरूर आया करो। मैं रोज दरवाजा खुला रखूंगा। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? अंदर की लाइट चली गई। बस बस चलो चलो उधर से नहीं, इधर से। विक्रम, हमारे अचानक आने का आज एक खास मकसद है। कल 3 बजे 304 एक्सप्रेस में लाखों रुपए का सोना और हीरे जा रहे हैं, हमें उस पर कब्जा करना है। सारी स्कीम इसमें है।
इस इलाके की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे और रानी पर है। रानी कहां है? बॉस, मैं और रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों को शादी करने की इजाजत दी जाए। शादी? रानी को बुलाओ। रानी, रानी देखो कौन है, जो भी हो उसे खत्म कर दो। रानी, 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 शम्मा जले या ना जले, रोशन है अपना जहां। शम्मा जले या ना जले, रोशन है अपना जहां। गोरे बदन की चांदनी, हम तो नहीं मेरी जान। मेरी जान, शम्मा जले या ना जले, रोशन है अपना जहां। गोल्डन चांस लगा है, वो ट्रेन में पुर विजल बजाता होगा और इधर तेरी मेरी शादी की खुशी में पादरी चर्च में पियानो बजा रहा होगा। शादी? हाँ डार्लिंग, अपने रहा जाता, चलो आज ही चलकर शादी करेंगे। डैडी से पूछे बगैर ना बाबा ना, वो तो हमको मार डालेगा। मार डालेगा? अरे इस मोटे के मरे बगैर हमारा भी चक्कर नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है इस फुटबॉल ने भी शादी नहीं की। क्या कहा? अरे आज दुकान बंद है,
फोटो नहीं होगी, जाओ। कहां से बेवक्त चले जाते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हारी फोटो जरूर लूंगा। क्या बता रहे, बेटी का बच्चा मेरी बेटी को चार, और मैं तुझे कब्र में डालकर तुम्हारी। और तुम चलो, तुम भी मेरे साथ चलोगी। हाँ हाँ, बाप का माल है क्या। चलो चल, ठीक है चलो, मैं भी पीछे आता हूं। हेलो, कुमार स्पीकिंग। आप जिस गैंग को पकड़ना चाहते हैं उसके बारे में एक खत आपके हॉल में फेंका गया था, आपने मौका क्यों खो दिया? खैर, आज 3 बजे नलगांव के पास 304 एक्सप्रेस को लूटा जाएगा। उम्मीद है आप जरूर आएंगे। आप कौन है? हेलो, लगता है इसमें भी कोई चाल है। शादी करे, उसके साथ चट जाए उल्लू का पट्टा। उसके साथ साथ हमको ही बदलना चाहिए। क्यों? ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्या पीछे बैठो। खबरदार कोई मिलेगा जी ना। तो क्या बात है गार्ड, देखता हूं क्या गड़बड़ है, अभी देखता हूं। हैंड्स अप। भैया आप तक नहीं पहुंचे। गाड़ी में चल जाओ। कुछ बके नहीं सर, सब तरीके आजमा लिए, एकदम पत्थर है, कुछ नहीं बकती। अब भी हस्ती है कमीनी। क्या करूं, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। तुझ जैसी नीच से मेरा रिश्ता,
बोल कहां है माल, कहां है तेरे साथी, बोल नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। रुक क्यों गए, मार डालो ना। पानी पिला दो इसे। तुम आ गए डॉक्टर, तुम्हारा दिमागी बीमार अंदर बंद है। तुम तो कहते थे अब वो कोई बुराई का काम नहीं करेगी, उसने लाखों का माल लूटकर अपने साथियों के हवाले कर दिया है, कितनी इंसानी जाने खत्म कराई हैं, और अब भी अपने साथियों का राज बताने से इनकार करती है। मालूम होता है तुम अपनी ताकत आजमा चुके हो, अब हार कर मुझे बुलाया। हार के नहीं डॉक्टर, इससे पहले कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊं, मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूं, ताकि जिंदगी भर तुम फिर कभी यह ना कह सको कि मुजरिमों को प्यार, हमदर्दी और कुर्बानी से जीतना चाहिए। चलो। वनीता, ये सब तुमने फिर क्यों किया? देखो वनीता, यहां तुम्हारे साथियों का कोई डर नहीं। कुमार को साफ साफ बता दो माल कहां है, तुम्हारे साथी कौन है। मैं वादा करता हूं तुम्हारी माफी के लिए मैं कानून से लड़ूंगा। आज कानून को जीत जाने दो डॉक्टर, शायद इसी जीत में किसी की जीत हो। ये क्या कह रही हो तुम, इसमें जरूर कोई राज है, कोई मजबूरी है। देखो वनीता, अगर आज तुमने कुछ नहीं बताया तो सच्चाई की हार होगी, मेरे असुरों की मौत होगी। कभी कभी मौत जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत होती है डॉक्टर। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो वनीता, तुम्हें मेरे प्यार की कसम है। प्यार? कैसा प्यार, कौन सा प्यार? तो क्या मैं समझू वो सब एक नाटक था, झूठ था, फरेब था? बुरे से और क्या उम्मीद कर सकते हो डॉक्टर, चोर हूं ना। अगर किसी की दौलत लूट सकती हूं तो किसी को बेवकूफ बनाकर उसका दिल नहीं लूट सकती? नहीं वनीता, ऐसा मत कहो, इंसानियत से कहीं मेरा विश्वास न उठ जाए। कह रहे ये सब झूठ है, कह रहे झूठ है ये सब। ये सच है डॉक्टर, ये सच है। जाओ डॉक्टर, जाओ, अपना वक्त जाया ना करो। वनीता, आओ, तुम इससे मिलना चाहती थी ना, मिल लो बुराई की इस तस्वीर से। आज इसने तुम्हारे भाई के मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा मारा है कि जिंदगी भर याद रखेगा। किस पहरे में से बांध रखा है इसे? खोलना चाहती हो? ये लो। मैं इसे अकेले में बात कर सकती हूं? ठीक है। तुम ही हो ना कुमार की बहन? पागल तो नहीं हो गई? अगर तुम नहीं हो तो उस दिन मेरे रिश्ता टूटने के डर से मुझे दिलासा देने क्यों आई थी? अपने आप को धोखा देने की कोशिश मत करो। उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में बहन को झांकते देखा था। बेकी बेकी बातें मत करो। अगर तुम नहीं हो तो उस दिन ट्रेन में छुपकर कुमार को किसने बचाया था, बोलो। ये झूठ है, ये झूठ है, चली जाओ यहां से। ठीक है, चली जाती हूं, लेकिन मैं कुमार को सब कुछ कह देती हूं, वो खुद ही आकर तुमसे पूछ लेता। नहीं, ऐसा ना करना। वनीता, वनीता,
सच बताओ, तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम। मैं ही उसकी बदनसीब बहन हूं, मैं तुम्हारे पास बैठी हूं। मेरे भाई को ना बताना। क्यों? इसलिए कि जब उसे पता चलेगा उसकी बहन ऐसी है तो उसका दिल टूट जाएगा, दुनिया के नजरों में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। नहीं, ऐसी बातों से भाई बहन का रिश्ता नहीं टूटता, भाई बहन का रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन अच्छे और बुरे का कोई रिश्ता भी नहीं होता। काश वो इतना अच्छा ना होता और मैं इतनी बुरी ना होती। उससे निपट जाती, कहती, भैया तेरी बचपन की बिछड़ी हुई बहन मैं हूं, मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो। ये तो तुम अब भी कर सकती हो, कोई भाई अपनी बहन को नहीं ठुकराता। नहीं आशा, नहीं, जब लोगों को पता चलेगा कि बहन मेरी जैसी भी होती है तो भाई अपनी बहनों के लिए जिंदगियां कुर्बान नहीं करेंगे, मेरी मिसाल देकर भाई बहनों से राखी बंधवाना छोड़ देंगे। आशा, आखिर तुम चाहती हो? चाहती तो थी कि सब मुजरिमों को गिरफ्तार करा दो, और जब मेरा दम निकल रहा हो, मेरी आंखें बंद हो रही हो, आखिरी आवाज यही सुनाई दे, कुमार की जय हो, कुमार की जय हो, कुमार की जय हो, कुमार। क्या हुआ? ये औरत बहुत बुरी है ना, और बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती। इतनी भोली और डाकू। अरे क्या कर रहा हूं, ये देखो, ये नेकलेस इसी लड़की का है, निकालो इसे। अरे इसमें तो कुछ है। देखो तो, ये क्या है? अरे मेडल, राजकुमार मर गए, ज्यादा गड़बड़ लगती है, कहीं हम लोग ही ना अंदर हो जाएं। माय गॉड, चल मेरे साथ। सुनो, मैं जा रहा हूं, जरा होशियारी से, समझे? यस सर। कहाँ है वो? रानी, चलो। हेलो, हेलो। हमारे प्लान के मुताबिक लड़की को उसके साथी गाड़ी में लेके निकल चुके हैं। हम भी चारों तरफ से तैयार हैं। ओके, मेरी जान, अगर तुम पाताल में भी होती ना तो हम तुम्हें वहां से भी निकाल लाते। एक और खुशखबरी, हम आज ही सब लोग ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। थोड़ी देर में पास आने वाला है, जाओ, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। आई लव यू। इससे पहले कि बॉस आ जाए, मुझे डॉक्टर से मिलकर पुलिस को लाना होगा। चारों तरफ बॉस के आदमी फैले हुए हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, अगर मैं नहीं गई तो न जाने क्या हो जाएगा। मगर जाओगी कैसे, ये मैंने सब सोच लिया है। तुम यहां?
मेरे साथियों ने मुझे कुमार से रिहा करा लिया। फिर यहाँ क्यों आई? मैं अपने साथियों से रिहा होना चाहती हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे प्यार ने नेकी का जो चिराग जलाया था उसकी रोशनी का वक्त आ गया है। तुम्हारे असूलों से मुझे दूर ले जाने वाले ये मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। नीलम बंदर की पहाड़ी के बंगले की तह में उनका अड्डा है। परम कुमार को खबर देकर उन्हें गिरफ्तार करा दो। ये सब तुमने कुमार के सामने क्यों नहीं कहा? उस वक्त वो नाटक खेलने की क्या जरूरत थी? काश मैं तुम्हें बता सकती। मैं कहाँ है डॉक्टर? मैं पूछता हूँ डॉक्टर कहाँ है? ऊपर स्टूपिड, यहाँ क्या करने आए हो? चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ? अशोक, 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 इसके बाद कुछ नहीं हुआ माँ, फिक्र मत करो। हेलो कुमार, ये वही मेडल है ना जो तुम्हें बचपन में मिला था? ऐसा लगता है वो डाकू लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी खोई हुई बहन है। नहीं डैडी, नहीं। हाँ बेटे, वो रंग भी है। डैडी, अगर वो राना है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। जरूर खत्म कर दो, खत्म कर दो उस बहन को जो अपनी जान देकर तुम्हारा नाम रोशन करना चाहती थी, जो अपने साथियों को तुम्हारे हाथों गिरफ्तार करवाने की कोशिश में खुद गिरफ्तार हो गई, जो छुप छुप के ट्रेन में तुम्हारी जान बचाती रही, जिसने तुम्हारे जुल्म सहे लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि वो तुम्हारी बहन है, इसलिए कि तुम्हारे नाम पर धब्बा ना पड़े। एक खत आपके हॉल में फेंका गया था, आपने ये मौका क्यों खो दिया? बॉस, हमारा शक गलत निकला, रानी ने डॉक्टर को खत्म कर दिया। अच्छा, हम बहुत खुश हुए। विक्रम, तुम्हारा और रानी का प्यार वाकई ही सच्चा है। हम इस खुशी में रानी को इनाम देंगे। रानी, वो पर्दा हटाओ और अपना इनाम ले लो। इसी डॉक्टर को मारकर आई हो ना? विक्रम, देख लिया प्यार का नतीजा, बाकी का इनाम इसे तुम दे दो। आज इनको कमाल दिखा दे जरा। जा बच्चे जा। मेरी गुनाह धुल जाने दो डॉक्टर, मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। विक्रम,
किटी अभी जिंदा है। कमीने किटी पुलिस घेर दिया है। पुलिस कौन? माँ? माँ नहीं, बॉस नंबर टू। बहुत दिनों तक धोखा देती रही। मुझे माफ करना, इनका प्यार सलामत रखना। देखो पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है, इन सबको खत्म करके खुफिया दरवाजे पर आ जाओ। अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो पिस्तौल फेंक दो पिस्तौल। हम तो पहले ही जानते थे, भाई को चिट्ठी देने गई थी। फेंक दो पिस्तौल। नहीं, पिस्तौल मत फेंको भैया, मर जाने दो उस गंदी लाश को, मुझे और मेरे गुनाहों को खत्म हो जाने दो मेरे भैया। भाई बहन और बहन का आशिक, तीनों की मौत एक साथ। मरोगे एक दिन तुम लोग भी, फर्क कितना है, हमारी आत्मा मुस्कुराएगी और तुम्हारी आत्मा तुम पर लानत भेजेगी। खामोश। तो सबसे पहले हम तुम्हारी आत्मा का फैसला करेंगे। सलील, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला तू नहीं, अल्लाह ताला है। गद्दार अब्दुल, तुम जिंदा हो? बिल्कुल जिंदा हूं। तुमसे थोड़ी सी मोहब्बत के लिए पहाड़ से खाली गाड़ी गिरा दी थी। इस नेकी के फरिश्ते का हिसाब जो चुकाना था। डॉक्टर, तुमने एक जान लेने वाले की नफरत का जवाब मोहब्बत से देकर एक शैतान को इंसान बना दिया। मुझे कातिल बनाने वाले, अब तू उसका नतीजा देख। इस दरिंदे की मनहूस सूरत सबसे पहले मैं देखूंगा। मेरी बहन का कातिल। डायनामाइट से अंदर और बाहर सबको उड़ा दो। क्या हुआ? वो भी मशीन चलती, सब तारे कट चुकी है। डॉक्टर, मैंने कभी एक प्यार करने वाले को मारा था। तुम्हारा प्यार मिल जाए, यही मेरी दुआ है। तुम लोगों ने आखिरी वक्त तक हमारा साथ दिया है,
तुम लोगों को इनाम मिलना चाहिए। थैंक यू बॉस। मुझे खुशी है बेटे के तुम्हारी तड़पती हुई आत्मा को शांति मिले। डॉक्टर, तुम्हारे उसूलों की जीत हुई। आज मैं अपनी रानों को तुम्हें सौंपता हूं। भैया, तुमने इसे मेरे लिए बहुत तड़पाया। सर, आपका मुजरिम। लीजिए, हथकड़ी पहना दीजिए। बेटी, जिसकी हथकड़ी कुदरत ने तोड़ दी है, उसे हथकड़ी पहनाने वाले हम कौन हैं? तुमने कानून की मदद की है, कानून तुम्हारी मदद करेगा। जीवन भी बदनाम था इसका, मौत भी है दुनिया वालों पापी का। होता है ये
जा